कालीचरण जी का पता ही नहीं कहाँ रहते हैं। मोदी जी जिसको बैठा दें वही मोदी लहर में निकल रहा है। जब वोट लेने होते हैं तब तो वो आते हैं, कभी शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। छोटी सी छोटी चीज को लेके वो हम सबके साथ खड़ी रहती है। सरकार रिपीट होगी नहीं पहली बात तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। परीक्षा के पिछले 5 साल बीत गए हैं और अब बारी है परिणाम की। और इसी कड़ी में द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आज हम मालवीय नगर विधानसभा सीट पर हमारी मौजूदगी है, जहां हम जनता से जुड़ेंगे, जनता के रुझान जानेंगे, जनता के मन की बात जानेंगे। तो जनता जनार्दन के बीच हम मौजूद है, यहाँ हम जानेंगे जनता से जनता के रुझान, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मालवीय नगर क्षेत्र में जो कामकाज हुआ है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? मालवीय नगर में जो कामकाज हुए हैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हैं। मैडम अर्चना जी ने बहुत काम कराए हैं पूरे मालवीय नगर क्षेत्र में, और हर गलियां, हर नाली, हर सड़क, हर कचरे की समस्या, लाइट की समस्या, पानी की समस्या पूर्ण रूप से दूर किया है मैडम ने। जनता की समस्याएँ पूरी सुनी है मैडम ने, जनता के पूरे काम किए हैं मैडम ने, एक छोटी छोटी सी बातों को भी ध्यान में रखते हुए पूरे। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बैठ रहे हैं? समीकरण मैडम को जिताना चाहिए, मैडम ने काम किए हैं। आप बताइए, पिछली बार यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच बहुत करीबी मुकाबला देखने को मिला था, क्या लग रहा है इस बार? अब की बार मैडम निकलेगी, 100% निकलेगी। मैडम बहुत अच्छा कर रही है, सबसे मिल रही है, घर घर जाके संपर्क कर रही है, 5 साल जनता से टच में रही है, सीधी जुड़ाव रहा है। कालीचरण जी का पता ही नहीं कहाँ रहते हैं, आते नहीं है। लेकिन जब पता ही नहीं है तो फिर पिछले 15 साल से वो यहाँ पर रिपीट कैसे कर रहे हैं? अब ये तो भाग का साथ है, मोदी जी जिसको बैठा दें वही मोदी लहर में निकल रहा। योग्य उम्मीदवार तो अर्चना शर्मा ही। आप बताइए, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं? देखो मैम, मुद्दे जो हमारे थे अधिकतर मुद्दे मैडम ने सोल्व कर दिए। मैडम पिछले 5 साल से चुनाव नहीं जीते, वो हमारे बीच में रही है, हमने जब चाहा है मैडम ने आया ही है। कालीचरण जी पिछले 5 साल या 15 साल में जीते, जब वोट लेने होते हैं तब तो वो आते हैं, कभी शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने, तो इस बार मैडम 100% जीते। शक्ल नहीं दिखाई तो फिर वो रिपीट कैसे हो रहे हैं लगातार 3 बार? मोदी लहर चल रही है, कुछ ना कुछ उनका भाग्य लक है जोर मार रहा है तो वो जीत रहे हैं। लेकिन पिछली बार जैसे वो पहले 48,000 से जीते, पिछली बार 1700 जीते, तो वो जीत नहीं है, तो इस बार मैडम 100% जीते। आने वाली सरकार से आप किन कामों की उम्मीद रखते हैं? मेरा मानना है कि जनता की मतलब विकास के साथ लगे रहें, और इस मामले में अर्चना शर्मा जी हमारी स्थानीय जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, उन्होंने काफ़ी मतलब अपने पिछले 5, 10, 15 वर्षों में काफ़ी यहाँ जुड़ी रही हैं। चुनाव तो सिर्फ वही जुड़ी रही है, कालीचरण सर आपने कुछ नहीं किया है। बिल्कुल, वो पिछले काफ़ी समय से विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी जनता के बीच में उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं करवाई है। और मेरा मानना है कि कोई अगर जनता उनको जिताती है, जिस भी प्रत्याशी को, अर्चना शर्मा जी का जीतना तय है, लेकिन जुड़ने के बाद, जीतने के बाद उनको हमेशा जुड़े रहना है। स्थानीय मुद्दों को उठाना हम लोगों का काम है, उसको सॉल्व करना उन लोगों का काम है। हम जिस तरह से उनको बुलाते हैं, उनका आना होता है, हमेशा वो उपस्थित रही हैं हमारे बीच, और उन्हें काम भी किए हैं, विधायक ना रहते हुए उन्होंने विधायक। आप बताइए कि एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? एमएलए का रिपोर्ट कार्ड ये कह रहा है कि जो जन संपर्क में ज़्यादा रही हैं, जैसे हमारे यहाँ से अर्चना जी हैं, फिलहाल उन्हीं की दावेदारी पूरी है, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ को लेके वो हम सबके साथ खड़ी रहती हैं, कोई भी बात होती है तो उसको आके सॉल्व आउट करती हैं, उसको इग्नोर नहीं करती हैं। तो सिर्फ वही सॉल्व आउट करती है जो यहाँ पे विधायक है मौजूदा समय में कालीचरण सराफ, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने किसी समस्या का निवारण नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने करा है, बाकी आप समझिए 100 में से 10 आदमियों के पसंदीदा होने से सरकार नहीं बनती है, 100 में से 90 आदमियों के पसंदीदा होने के बिना विधायक रहते उन्होंने हमारे मुद्दे सोल्व किए, देखो ना आप भाई, वो तो इलेक्टेड पर्सन थे। विधायक बन जाएंगे तो और भी ज्यादा काम होगा, बिना विधायक बने जब इलेक्टेड पर्सन ने इतना करा है, उन्होंने नॉन इलेक्टेड होके ज्यादा करा है, तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, हमारा ये मानना है। बाकी मौका मिलना चाहिए। बाकी और किन कुछ ना कुछ विकास कर रहे हैं, कोई ना कोई मुद्दे हमेशा अछूते रहते हैं, कुछ पूरे होते हैं कुछ नहीं होते हैं, आने वाली सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आने वाली सरकार से एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि जो वादे पहले किए जा रहे हैं उनको पूरा किया जाए, और अब तक जो चीज़ें रही हैं, जैसे सिर्फ बातों के धनी ना हो, काम के धनी हो, बाकी अर्चना जी काम की धनी है, इस चक्कर में हम उनको जिताना चाह रहे हैं।
और बाकी जो सात गारंटी को लेकर जो अभी उन्होंने ऐलान किया गया है उसको लेकर क्या कहना है? सात गारंटी क्या, सॉरी, कांग्रेस की तरफ से जो सात गारंटी को लेकर अभी ऐलान किया गया है अशोक गहलोत की तरफ से, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सात गारंटी की रिपोर्ट देखो, गहलोत जी ने कुछ वादे करे हैं उन पे वो खड़े भी उतरे हैं, तो उस उम्मीद से ये है कि इस बार दोबारा गहलोत जी के आने के चांसेस हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस इस सीट पर पिछले तीन बार से अपना कब्जा नहीं कर पाई? वोटर की मानसिकता की बात है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, अर्चना जी नो डाउट कैंडिडेट सशक्त हैं, कोई कमजोर नहीं किसी भी तरह से, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का विशेष जोर होने की वजह से, लेकिन इस बार निश्चित रूप से जो है वो विजयी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आश्वस्त कैसे हैं आप? उनका कार्य देखा, उनका जो क्षेत्र के प्रति लगाव और जो काम उन्होंने पिछले 5-10 सालों में किए हैं, पिछले 10 सालों से लगातार काम कर रही है। कहने का मतलब है कि उन्होंने जो कार्य किया आपने वो देखा, मौजूदा समय में जो यहाँ से विधायक है कालीचरण सराफ, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? नहीं, कभी वो कॉन्स्टिट्यूंसी में आए भी नहीं, मिले ही नहीं लोगों से। वो नो डाउट वो भी बहुत एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने पिछले 10 सालों में कोई कार्य नहीं किया और जनता से रेगुलर संपर्क में रही हैं अर्चना जी। आप बताइए, अगर सरकार रिपीट होती है, अगर सरकार रिपीट होती है तो आप किन कामों की उम्मीद करते हैं? सरकार रिपीट होगी नहीं, पहली बात तो बीजेपी। इतने निश्चिंत हैं आप? कालीचरण जी आएंगे, कालीचरण जी जीतेंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। और अगर सरकार बदलती है तो? बदलेगी नहीं ना, कॉन्फिडेंस तो पूरा बीजेपी आएगी। हमारे साथ मालवी नगर क्षेत्र के कुछ युवा मौजूद है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शिखा मिश्रा है। अच्छा, आप किसको वोट देंगी? कालीचरण सराफ को, क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी 15 साल से जीत रहे हैं, तो हम आगे भी उन्हीं को सपोर्ट करना चाहेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिजीत सिंह चौहान है। आप किसको वोट देंगे? मैं कालीचरण सराफ को वोट। क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि आपने जिस तरीके से देखा है कि जयपुर के अंदर बाकी क्षेत्र इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पे भीड़ भड़ाका थोड़ा ज़्यादा है, जबकि मालवीय नगर वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो रहा है, तो इसीलिए। आपका क्या नाम है? नाम राहुल चौधरी है। देखिए, कहा जाता है कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं की बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी। युवा जो है देश की तकदीर और तस्वीर बदलते हैं, आप किस तरह से देश की तकदीर और तस्वीर बदलते हुए देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो हमारे युवा हैं वो वोट दें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार साथ हमारी जिम्मेदारी भी है, और चुनाव में एक वोट की बहुत वैल्यू होती है। जैसे लास्ट चुनाव में हमने अगर देखा था कि एक वोट की वजह से सीएम चेंज हो गए थे, तो सभी को वोट देना चाहिए। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम वोट है और मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आर्ष कुमार श्रीवास्तव। आप किसको वोट देंगे? मैं भी कालीचरण जी को ही वोट दूंगा। क्यों, आपका क्या रीज़न है उनको वोट देने का? असल में मेरी फैमिली थोड़ा बीजेपी को सपोर्ट करती है और ये एरिया जो है। तो आप फैमिली की वजह से उनको वोट देंगे, आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या है? मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी भी जो है बीजेपी से काफी मैच करती है। अच्छा, तो क्या क्या काम करवाए उन्होंने मालवी क्षेत्र में? आप देखिए कितना वेल प्लान्ड है ना, हर जगह रोड्स वेल मेंटेन्ड है और यहाँ पे कोई ऐसे ट्रैफिक कंस्ट्रेंट्स भी नहीं है। मतलब आप शहर के अंदर जाके देखिए, दिक्कतें आपको तुरंत चालू हो जाएंगी, जैम्स वगैरह। मालवी नगर विधानसभा सीट पर आप इस बार किसको वोट देने वाले हैं? कालीचरण दास को। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि वो पहले से ही बहुत अच्छा एमएलए रहा है और काम भी किया है उन्होंने, और हम हमेशा उसको वोट देते आ रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने तो कहा कि ये कालीचरण सराफ को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप बताइए कि पिछले 15 साल से वो यहाँ पर एमएलए है, उन्होंने क्या विकास कार्य किया है? उन्होंने किस विकास किया, जब तो वो 15 साल से टिके हुए हैं, वह ऐसे ही थोड़ी ना टिके हुए 15 साल से, और अब कहने भी हम चाहते हैं कि उनके विकास कार्य से संतुष्ट है आप? संतुष्ट है, हम बहुत अच्छी तरीके से संतुष्ट है, और आने वाले भी चुनावों में उसको भारी बहुमत से जिताया जाए। क्या लगता है मालवीय नगर विधानसभा सीट पर जो पिछले 15 साल से भाजपा अपना कब्जा कर बैठी है, क्या इस बार भी वही जीतेगी? हाँ, वही जीतेगी। क्यों? कि बीजेपी का कार्यकाल अच्छा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा। क्या काम करवाए भाजपा ने यहाँ पर? मतलब यहाँ पे कालीचरण साहब ने मतलब रोड वोड की सुविधा बढ़िया है, और हमारे यहाँ लाइब्रेरी वाइब्रेरी की सुविधा अच्छी है, और तो उनका मतलब जनता से ज्यादा प्यार प्रेम अच्छा है, जब भी तो 15 साल तक टिके हुए हैं। देखिए, यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन आगे आने वाले समय में सरकार किसी की भी आए, विधायक किसी भी पार्टी का क्यों ना हो,
क्योंकि उन मुद्दों पर काम होना बहुत जरूरी है जिन मुद्दों पर अभी तक काम नहीं हुआ है, क्योंकि जनता सिर्फ विकास कार्यों को देखते हुए वोट देती है। बाकी मैं सिद्दीका मनोहर सोनी, कैमरामैन संजय के साथ द नगरी न्यूज़ जयपुर।